हे गाइस, वेलकम टू टॉक एंड टिप्स। मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। दोस्तों, आपका फोन पहले की अपेक्षा अब स्लो चार्ज होने लगा है। जब आपने फोन परचेज किया था उस समय आपका फोन तेजी से चार्ज होता था, लेकिन अब आपके फोन को चार्ज होने में काफी टाइम लग रहा है। आपका फोन धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो इस वीडियो में इसका सोल्यूशन लाया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फोन में आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आगे इस वीडियो को देखने में भूल जाएंगे। और आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको टोटल 5 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है। और ये गारंटी लेता हूं कि आप इन 5 ट्रिक को अपने फोन के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका फोन तेजी से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं 5वें ट्रिक से। 5वां के बाद चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। सो गाइस, 5वां ट्रिक ये है। वैसे ये कोई ट्रिक नहीं है, आपको नॉर्मली मैं बता देता हूँ और आप इसके बारे में जानते होंगे। और इसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो अभी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आपको 5वीं ट्रिक के अंदर ये करना है कि आपको हमेशा अपने फ़ोन को ओरिजिनल डेटा केबल और ओरिजिनल चार्जर से ही अपने फ़ोन को चार्ज करना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी चार्जर या डेटा केबल से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हो सकता है कि इस कारण से आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा होगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है और आप हमेशा ओरिजिनल डेटा केबल और ओरिजिनल चार्जर से ही फ़ोन को चार्ज करें। इसके बावजूद भी आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है तो इस वीडियो में आगे सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि किन कारणों से आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने फ़ोन को ओरिजिनल डेटा केबल और ओरिजिनल अडेप्टर से चार्ज करते हैं, उसके बावजूद भी आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है, तो आपको चेक करना है कि भाई कमी किसके अंदर है। कमी कहीं डेटा केबल या अडेप्टर के अंदर तो नहीं है। आपको फ़ोन को जितना रिक्वायरमेंट पावर चाहिए उतना डेटा केबल और अडेप्टर दे रहा है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करना होगा। तो इस चीज़ को आप कैसे चेक करेंगे, यही चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और इस ऐप को आप कैसे यूज करेंगे मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ। फ़ोन में ऐप को ओपन करना है और ओपन हो जाने के बाद आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा देना है। और डेटा केबल से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मेजरिंग शो हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर 10 से 15 सेकेंड तक वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ डेटा शो हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ डेटा शो हो रहा है और यहाँ पर ये शो हो रहा है कि मेरा फ़ोन कितने मिली एम्पियर के रेट से चार्ज हो रहा है। फ़ोन अभी मिनिमम 490 मिली एम्पियर और मैक्सिमम 630 मिली एम्पियर के रेट से चार्ज हो रहा है। सो गाइस, इस ऐप में आप बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे कि आपकी फ़ोन की बैटरी क्यों स्लो चार्ज होती है। सबसे पहले आप एक दूसरा डेटा केबल लीजिएगा और उससे अपने फ़ोन को चार्ज करके देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर मिली एम्पियर रेट बढ़ा हुआ मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कमी आपके डेटा केबल में है, तो आप डेटा केबल चेंज कर लीजिएगा। अगर आपका डेटा केबल सही है तो आप यहाँ पर अपने चार्जिंग एडाप्टर को चेंज करके देखिएगा, किसी दूसरे चार्जिंग एडाप्टर से अपने फ़ोन को चार्ज करिएगा। अगर यहाँ पर मिली एम्पियर बढ़ा हुआ मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि कमी हमारे चार्जिंग एडाप्टर में है। दोस्तों, एक चीज़ और है, हो सकता है कि यहाँ पर जो डेटा शो हो रहा है आपके फ़ोन में कुछ अलग डेटा शो हो, क्योंकि ये 5V 2A का चार्जर है। अगर आपके पास 10W या 15W का चार्जर हो तो उसमें कुछ अलग डेटा शो हो। तो गाइस, इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आखिर कमी किस में है, कमी इस चार्जिंग एडाप्टर में है या कमी इस डेटा केबल में। दोस्तों, समय के साथ डेटा केबल और एडाप्टर दोनों ही वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। डेटा केबल खासकर वीक हो जाते हैं, डेटा केबल का जो वायर होता है उससे कम आउटपुट निकलने लगता है, कम वोल्ट और कम पावर हमारे फ़ोन को मिलता है, इस कारण से फ़ोन स्लो चार्ज होता है। तो आप एक नया डेटा केबल से चेक कर सकते हैं कि इस डेटा केबल से, जो नया डेटा केबल है उससे फ़ोन जल्दी चार्ज हो रहा है कि नहीं। और अक्सर हाँ, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है कि डेटा केबल चेंज करने के बाद फ़ोन तेज़ी से चार्ज करना शुरू हो जाता है। तो तीसरा ट्रिक ये है कि आपको अपने फ़ोन को कभी भी ओवरहीट नहीं होने देना है। ओवरहीट का मतलब है कि आप अपने फ़ोन में गेमिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और फ़ोन चार्ज करेंगे तो उस समय आपका फ़ोन हीट होगा, बैटरी जो है वो ड्रेन होगा, तो बैटरी हीट होगा तो फ़ोन जल्दी से चार्ज नहीं होगा। आपको बता दें कि फ़ोन के अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है और लिथियम पॉलीमर बैटरी का ऐसा नेचर है कि हीट होने के बाद ये जल्दी से चार्ज नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री
से अधिक नहीं होना चाहिए। और आप ऐसा नोटिस किए होंगे और या नोटिस कर सकते हैं कि ठंडी में फ़ोन जल्दी चार्ज होता है, ठंडी में जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा होता है। तो फ़ोन अगर ठंडा रहेगा, ठंडा का मतलब ऐसा नहीं कि आप फ्रिज में फ़ोन को डाल दीजिए, नॉर्मली जो टेम्परेचर रहेगा ना, नॉर्मली टेम्परेचर में फ़ोन जो है वो जल्दी से चार्ज होता है। और गर्मी के दिन में इन्वायरमेंट गर्म रहता है जिसके कारण फ़ोन भी हीट हो जाता है, और फ़ोन हीट हो जाने के बाद जो फ़ोन की बैटरी वो भी हीट होती है और उसके बाद स्लो चार्ज होने लगती है। और दोस्तों आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके फ़ोन का बैक कवर TPU कवर होना चाहिए। आप देखे होंगे जो भी कंपनी की तरफ से हमें बैक कवर प्रोवाइड किए जाते हैं वो TPU कवर होते हैं। ये ऐसे कवर होते हैं कि इनसे हीट बाहर जो है वो निकल पाता है, यानी हीट को काफ़ी अच्छे से ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। और आप मार्केट से कोई ऐसा बैक कवर यूज करते हैं जो काफ़ी मोटा हो, भले ही देखने में अच्छा हो, लेकिन वो कवर आपके फ़ोन के लिए सही नहीं है। सो गाइस, दूसरा ट्रिक ये है कि आपको फ़ोन चार्ज करते समय अपने फ़ोन का ब्लूटूथ, डेटा, वाईफाई, हॉटस्पॉट, GPS, इन सारी फीचर को बंद कर रखना चाहिए। अगर ये सारा फीचर यूज करेंगे तो बैटरी ड्रेन होगा। जब बैटरी ड्रेन होगा तो लिथियम पॉलीमर बैटरी ड्रेन होते समय हीट होती है, तो हीट होगी तो भाई बैटरी जैसे ही हीट हुई तो स्लो चार्ज करना शुरू कर देगी। तो आपको फ़ोन चार्ज करते समय इन सारे फीचर को ऑफ कर देना चाहिए। सो गाइस, वीडियो में बात करते हैं नंबर 1 ट्रिक की। तो आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने डेटा केबल चेंज कर लिया, अडाप्टर चेंज कर लिया, और इसके अलावा फ़ोन को ओवर हीट भी नहीं होने दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं अब आपके बैटरी के अंदर कमी है। अगर आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाएगी, आप कितना भी ट्रिक लगा लेंगे तो जल्दी से फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही, आपने सारा ट्रिक सारा जुगाड़ लगा लिया, तो अब आपको ज़्यादा ट्रिक नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर ले जाइए और वहाँ पर आप अपने फ़ोन को दिखा सकते हैं कि हमारा फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है। तो सर्विस सेंटर में आपके फ़ोन को चेक करके बता दिया कि बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा है, अगर बैटरी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा तो फिर फ़ोन की बैटरी चेंज कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही 5 रियल जेन्युइन तरीके बताने थे, और भी बहुत सारे फेक तरीके हैं जो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। आप सारा तरीका देख लेंगे लेकिन फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये जेन्युइन तरीके हैं, सही तरीके से इंप्लीमेंट करके आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अभी तक से आपने लाइक नहीं किया तो क्या सोचा, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आप इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।